Hello everyone, welcome to class 8th. Today we will start a new chapter of geography, that is natural resources, natural vegetation and wildlife. As we have studied land resources, soil resources, water resources, so now we are going to study our other resources, that is natural vegetation and wildlife. देखो जैसे हमारे लिए लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, उसी तरीके से हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो प्लांट लाइफ है और वाइल्ड लाइफ यानी जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है. लेट अस डिस्कस हाउ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस. बट लेट अस अंडरस्टैंड थ्री स्फीयर्स दैट आर हाइड्रोस्फीयर, lithosphere and atmosphere. I know you have studied in class 6th and 7th, but I am revising again. Hydrosphere, all water that is found under or on surface, on the surface of the earth. Lithosphere means solid earth or land. Atmosphere, the gases that surrounds the earth. So I am going to ask you three questions. Give me answer. Can you live only on land? क्या आप सिर्फ लैंड पर रह सकते हो? द आंसर विल बी नो. कैन यू लिव ओनली इन वाटर? द आंसर विल बी अगेन नो. एंड कैन यू लिव ओनली ऑन एयर? क्या आप सिर्फ एयर पर रह सकते हो? द आंसर अगेन विल बी नो. सो वी नीड ऑल दीज थ्री थिंग्स, दैट इज लैंड, एयर एंड वाटर. देयर फोर wherever these three things exist, we can say life exists. जहाँ पर तीनों चीज़ें exist करते हैं वहीं पर life exists करती है. This life supporting system is known as ecosystem. So hope you have understood that natural vegetation और wildlife हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, जहाँ ये तीनों चीज़ें, जिस जोन में तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी, यानी हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर इंट्रैक्ट करते होंगे. तो लेट अस टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन मींस प्लांट्स. प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है? दे प्रोवाइड अस टिम्बर, दे गिव शेल्टर टू एनिमल्स, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ, स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर, दे गिव्स अस फ्रूट्स, vegetables, paper, turpentine oil, medicines and many many more things. Now what we get from wildlife? Wildlife, milk, meat, honey, wool, they help us in pollination and they play a role of decomposers. Decomposers means scavengers. Scavengers जो होते हैं like जैसे वल्चर की बात करें, they work as a cleansing agent. जब कोई animals मर जाते हैं forest के अंदर तो उसके ऊपर वो feed करते हैं, उसे खाकर वो क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. otherwise वो air में क्या bacteria spread कर देंगे, गंदगी spread कर हो जाएगी. तो ये cleansing agent का work करते हैं. so वो क्या दो factors हैं जो natural vegetation और wildlife को अफेक्ट करते हैं? क्या फैक्टर्स हैं? दे आर क्लाइमेट एंड रिलीफ. क्लाइमेट एंड रिलीफ ऑफ द लैंड, जिस लैंड का भी, ये दो की फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं कहीं कहाँ का, चाहे नेचुरल वेजिटेशन हो चाहे वाइल्ड लाइफ हो. और यही एक डिफरेंट बायोम्स क्रिएट करता है अर्थ में. जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जाएगा, वहाँ का वेजिटेशन यानी प्लांट लाइफ भी चेंज होती जाएगी, वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी चेंज होती जाएगी. तो लेट अस टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ. तो हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमारा नेचुरल वेजिटेशन चेंज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड वाइड में, और साथ में वाइल्ड लाइफ को भी देखेंगे. जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे जैसे फॉरेस्ट चेंज होते जाएंगे, वहाँ के ट्रीज, वहाँ के श्रब्स, वहाँ का फॉरेस्ट, वहाँ के एनिमल वाइल्ड लाइफ, सब कुछ चेंज होता जाएगा. तो लेट अस टॉक अबाउट फॉरेस्ट. देखो फॉरेस्ट क्या होते हैं, इसमें हम चार कैटेगरीज पढ़ेंगे. जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फोर वेज में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. फॉरेस्ट, और दूसरा है आपका ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स एंड टुंड्रा. तो लेट अस टॉक अबाउट फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जहाँ पर अबंडेंट ऑफ वेजिटेशन है, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ उसको हम फॉरेस्ट कह रहे हैं.
बट अगेन फॉरेस्ट में भी यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं. लेट अस सी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, प्लीज ओपन योर बुक्स ऑल्सो. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, दीज आर द फॉरेस्ट दैट आर एवर ग्रीन एंड थिक. ये फॉरेस्ट एवर ग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं. एंड दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, ये अपनी लीव्स को भी शेड नहीं करते हैं, पूरे साल हरे भरे रहते हैं. तो यहाँ पे, और ये कहाँ देखने को मिलेंगे हमें, नियर इक्वेटर देखने को मिलते हैं. इनके इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं लाइक महागोनी, इबोनी, रोजवुड. फिर एनिमल्स की भी वैरायटी यहाँ पे चेंज हो जाती है लाइक कैमिलियन, ट्री फ्रॉग, लिजर्ट, स्क्वायरल, स्नेक. और रीजन्स अगर हम देखते हैं तो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल, असम एंड द ईस्टर्न हिमालयाज इन इंडिया. और भी प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स और स्लॉट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट है ट्रॉपिकल मॉनसून डेसीडुअस फॉरेस्ट. देखो डेसीडुअस जो है, अगेन इसमें हम दो तरीके के फॉरेस्ट पढ़ेंगे, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट. तो जो ट्रॉपिकल होते हैं यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिस वजह से ये लीव्स को शेड करते हैं. ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं डेसीडुअस ट्रीज जो होते हैं, दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. लेकिन जो टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ये कोल्ड जोन होता है यहाँ पर, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो रहता है. तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों के ट्रीज भी चेंज हो जाते हैं. ट्रॉपिकल में आप देखोगे टीक, साल, डियोडर और सैंडलवुड. और फिर अगर हम इसके इंडिया में एरियाज देखते हैं, कौन से रीजन में हमें देखने को मिलता है ये, तो इसके मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, द गैंजेटिक प्लेन, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, लोअर हिमालयन फुटहिल्स. नेक्स्ट कैटेगरी है फॉरेस्ट की टेम्परेट डेसीडुअस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट. टेम्परेट मैंने भी आपको बताया, जहाँ पर कोल्ड जोन है. तो इसके आप एरिया से भी आइडिया लगा सकते हो लाइक जापान, कोरिया, नॉर्थ चाइना, ईस्टर्न कैनेडा. नेक्स्ट है हमारा मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, ये फॉरेस्ट हमें नियर फाउंड इन मेडिटेरेनियन सी और मेडिटेरेनियन बेसिन. और यहाँ पे कैसे ट्रीज, कैसे वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है लाइक कॉर्क, ओक, ऑलिव, फिग. फिर इम्पॉर्टेंट बर्ड्स और एनिमल्स अगेन यहाँ पर चेंज हो जाते हैं लाइक वाइल्ड बोर, गोट, स्नेक, क्रोकोडाइल. नेक्स्ट है आपका टेम्परेट कॉनीफेरस फॉरेस्ट, जिसे हम टाइगा के नाम से भी जानते हैं. ये फॉरेस्ट जो होते हैं, आप इमेज में देखो तो आपको यहाँ पे जो ट्रीज देखने को मिल रहे हैं वो कैसे हैं, निडल शेप्ड है, पॉइंटेड है, यानी कॉनिकल शेप्ड है ट्रीज जो है यहाँ पर. एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट ये 1/3 वर्ल्ड के फॉरेस्ट को कवर करते हैं. अच्छा, ये फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट होते हैं टिम्बर इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज दे गिव अस पेपर, पल्प, नट्स, गम्स एंड मैनी मोर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. और इसके जो फेमस ट्रीज हैं वो है फेयर, पाइन, सिडार, ओके. एंड इसके जो मेन रीजन्स हैं ये कौन से हैं आपके, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ एशिया. अगर इसका कंपैरिजन हम टुंड्रा से करते हैं तो टुंड्रा जो है वो ज़्यादा कोल्डर जोन रहेगा टाइगर से, वो भी हम पढ़ेंगे टुंड्रा रीजन में. तो लेट अस डिस्कस अवर नेक्स्ट ग्रासलैंड्स नाउ. अभी हमने 5 टाइप्स के फॉरेस्ट पढ़ लिए हैं, अब हम ग्रासलैंड्स डिस्कस करने जा रहे हैं. ग्रासलैंड्स के नाम से ही आप देखो, इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड दैट मोस्टली कंटेन्स ग्रास, जहाँ पर ज़्यादातर ग्रास है. तो अगेन हम 2 टाइप के ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड्स. देखो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर दीज आर द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, यहाँ पर टॉल कोर्स ग्रासेस ग्रो होती है यहाँ पर. और जो ट्रीज होते हैं दैट स्टोर वाटर इन देयर ट्रंक एंड हैव स्मॉल लीव्स, इनकी लीव्स स्मॉल होती हैं और स्कैटर्ड ग्रो होते हैं, मतलब बिखरे हुए से दूर दूर पर. और ग्रासेस ड्राई अप हो जाती हैं ड्राई सीजन में एंड जब वापस रेन आती है तो ये वापस ग्रीन हो जाती हैं. यही टेम्परेट ग्रासलैंड से जब हम कवर कंपेरिजन करते हैं, आपने सवानास पढ़े होंगे, सवानास इसका अदर नेम है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का. और टेम्परेट ग्रासलैंड में आपने प्रेरीज पढ़े होंगे क्लास 7th में, प्रेरीज जो कहाँ पर हैं आपके, नॉर्थ अमेरिका में हैं.
अच्छा टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स विच कंटेन लेस मॉइस्चर, यहाँ पे बहुत मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, रेनफॉल भी बहुत लेस रहती है यहाँ पर, और कोल्ड विंटर्स होते हैं, वार्म समर्स होते हैं, और थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर टॉल ग्रास, ग्रास आपको बहुत टॉल मिलती है, या तो यहाँ पर पेड़ बहुत कम होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। पेड़ और श्रब्स हम दोनों की बात कर रहे हैं, ट्रीज और श्रब्स दोनों। फिर यहाँ के अगेन आप एनिमल वाइल्ड लाइफ देखते हो तो एनिमल जैसे वाइल्ड बफलो और एंटीलॉप, प्रेरी डॉग, ये सब आप देखते हो यहाँ पर। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, अच्छा ये भी कहते हैं आज जो हमारे ग्रासलैंड्स हैं ना ज़्यादातर क्लियर होते जा रहे हैं। रीज़न ये है कि वहाँ पे जो सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल रहती है, जिस वजह से लोग आज उसको कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए यूज़ करने लगे हैं। तो ज़्यादातर ग्रासलैंड्स क्या हो गए हैं, क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट्स, डेजर्ट्स हम देखते हैं तो ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट हो गई है। हमने दो कैटेगरी फिनिश कर ली है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स। डेजर्ट्स हम देखते हैं ये वो रीजन्स रहते हैं जहाँ पर रेनफॉल बिलो रहता है बहुत, 20-40 सेंटीमीटर से। यहाँ पे आपको श्रब्स फॉरेस्ट दिखते हैं, स्क्रब दिखते हैं, थॉर्नी बुशेस यानी कांटेदार पेड़ आपको ज़्यादा दिखते हैं यहाँ पे। दिस टाइप ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड समटाइम एक्सटेंड इन टू टेम्परेट रीजन्स। अच्छा ज़ेरोफाइटिक या ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन रहता है, अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर कैक्टस, थॉर्नी श्रब्स जिसमें पानी, ये पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें एबिलिटी होती है कि वाटर को स्टोर कर लें और ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव भी कर लेते हैं बिना पानी के। दूसरा थॉर्नी बुशेस जो होती हैं इनकी जो लीव्स रहती हैं वो, जो अगर आप कैक्टस रहते हो तो उसमें जो लीव्स रहती हैं वो वैक्सी लीव्स रहती हैं, जैसे आपने एलोवेरा के पेड़ देखे होंगे उसमें वैक्सी अंदर से जो वो निकलता है तो वैक्सी तरीके का होता है। अच्छा समटाइम्स ये कह रहा है टफ्स ऑफ कोर्स ग्रास समटाइम्स अपीयर आफ्टर द रेन्स, और कभी कभी जब बारिश हो जाती है उसके बाद टफ्स ऑफ जैसे घास के जैसे गुच्छे टाइप के होते हैं ना, एक ही जगह पर खूब सारी घास निकल आना, उसे हम कह रहे हैं टफ्स ऑफ कोर्स ग्रास। दूसरा एनिमल्स भी इसको जल्दी नहीं ईट करते हैं, जो आपके कैक्टस प्लांट्स होते हैं जल्दी नहीं खा पाते हैं, तो ये बिना टच किए बिना खाए बिना ही क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं ऐसे पेड़ों को। लेकिन फिर कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि कैमल और एडाक्स के आप बात करें तो ये है, इनके पास एबिलिटी होती है कि कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकते हैं और ये सैंड पर भी चल सकते हैं, इनके जो फीट होते हैं वो इनको अलाउ करते हैं। एंड दीज एनिमल्स फीड ऑन सेक्यूलेंट प्लांट्स लाइक कैक्टस, और ये किस प्लांट्स को सेक्यूलेंट करते हैं, सेक्यूलेंट जिसमें खूब सारा जूस होता है, इसकी लीव्स को भी क्या करते हैं ये ईट कर लेते हैं कभी कभी, तो इनके लिए तो हो गया। चलो नेक्स्ट है डेजर्ट वेजिटेशन हमें इंडिया में कहाँ देखने को मिलता है, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी टुंड्रा, टुंड्रा जो है इट अपीयर्स टू बी मोर कोल्डर देन टाइगर, ये टाइगर से ज़्यादा कोल्डर रहते हैं, और जो टाइगर फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, मोर फ्लोरा एंड फौना भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो टुंड्रा रीजन है इट हैज़ नो ट्रीज एट ऑल, इट इज़ जस्ट टू कोल्ड फॉर वुडी ट्रीज टू ग्रो। दूसरा टाइगर और टुंड्रा बोथ लाई ऑन हाई ऑल्टीट्यूड, ये दोनों ही हाई ऑल्टीट्यूड पर आपको देखने को मिलते हैं टाइगर और टुंड्रा, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ, लेकिन अगर हम दोनों के बीच का एक मेन डिफरेंस निकालते हैं वो क्लाइमेटिक रीजन है टाइगा का। टाइगा में आपको कॉनिकल वेजिटेशन मिलता है लेकिन टुंड्रा में आपको वेजिटेशन नहीं मिलता है। दूसरा यहाँ का जो वेजिटेशन है वो कैसा रहेगा, ड्वार्फ विलो जिस तरीके के मैंने आपको शेयर करी है इमेज, और ये वर्ल्ड के वन ऑफ द स्मॉलेस्ट और वुडी प्लांट्स में काउंटेड होता है। दूसरा आपको वैलीज जो मिलेंगी, वैलीज में इधर आपको मॉसेस और लीचेंस मिलते हैं, काई जिसको हम बोलते हैं। फिर फ्रूट्स कैसे रहेंगे, बेरी फ्रूट है आपका। और वाइल्ड लाइफ अगर हम देखते हैं तो रियनडियर, पोलर बियर्स और मस्क ऑक्सन, आर्कटिक हेयर्स, ये सब एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा ऑल एनिमल्स हैव थिक कोट्स ऑफ फर टू कीप वार्म ड्यूरिंग द बिटर कोल्ड मंथ्स, इन सारे एनिमल्स के जो फर बॉडी में क्या रहता है, थिक कोट से फर जो होता है उससे ये
कवर रहते हैं ताकि ये जब बहुत ज़्यादा ठंडा है तो अपने आप को उसमें वार्म रख सके। देन इज़ माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन जब हम देखते हैं तो यहाँ का जो क्लाइमेट और वेजिटेशन है वो चेंज हो जाता है जैसे जैसे देखो आप ऑल्टीट्यूड मतलब जितना आप ऊपर हाई जाते हो माउंटेन्स में आपको उतना ही क्या मिलता है, क्लाइमेट वेजिटेशन फौना चेंज मिलता जाएगा। तो लेट अस डिस्कस कि एज वन क्लाइम्स अप द डेसिडुअस फॉरेस्ट गिव्स वे टू मिक्स्ड फॉरेस्ट। जैसे आप ऊपर जाते हो तो डेसिडुअस फॉरेस्ट से आप किस तरफ बढ़ते हो, मिक्स फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हो और उसके बाद कॉनिफेरस फॉरेस्ट आ जाते हैं। कॉनिफेरस यानी कि जहाँ पर ट्रीज कैसे हैं कॉनिकल निडल शेप्ड में। और जैसे ही आप 3000 अबव मीटर से ऊपर जाते हो तो ओनली अल्पाइन ग्रासेस यानी आपको ग्रासेस मिलेंगी, मोजेस लीचेंस मिलेंगे। फिर आप अगर और आगे बढ़ते हो यानी 5000 मीटर से आगे बढ़ते हो तो जहाँ पर स्नो लाइन स्टार्ट हो जाती है, नथिंग कैन ग्रो हियर। अब यहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। टेम्परेचर इतना लो रहता है कि वहाँ पर ट्रीज़ को ग्रो होने के लिए चांस ही नहीं मिलता कोई भी। फिर यहाँ का जो आपका एनिमल कैटेगरी है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो है स्नो लेपर्ड, कैमोसिस, याक, राइट। तो ये सब कैसे रहते हैं, श्योर फुटेड। श्योर फुटेड का मतलब होता है कि जल्दी फॉल नहीं होते, जल्दी स्लिप नहीं हो सकते, यानी इनके जो फीट होते हैं इस तरीके के होते हैं। एंड इंडिया में अगर हम देखते हैं माउंटेन्स स्टिल हैव द बेस्ट फॉरेस्ट कवर। इन द लोअर फुट हिल्स टीक एंड साल प्रीडोमिनेट। हायर स्लोप्स आप देखते हो तो वॉलनट, मैपल, पॉपुलर, बिर्च फॉरेस्ट देखते हो आप। और टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज़ होता है विद हाइट, हाइट के साथ जैसे टेम्परेचर डिक्रीज लो होता जाएगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ पाइन, सिडार एंड सिल्वर फिर अपियर। और 4000 से अबव अगर आप